हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है या फिर आपका चैनल डिसअप्रूव कर दिया है यूट्यूब ने, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आज आपको बताएंगे आपका चैनल डिसअप्रूव या फिर एडिशनल रिव्यू में क्यों गया है, उसकी वजह क्या है, उसको आप कैसे बच सकते हैं। क्योंकि अगर आपका चैनल एडिशनल रिव्यू में गया है तो बहुत सारा टाइम लग सकता है आपके चैनल को मोनेटाइज होने के लिए। अगर फिर भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो आपका चैनल डिसअप्रूव हो जाएगा। तो आगे आपको कैसे ध्यान रखना है अपने चैनल पे, या फिर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज होने के लिए नहीं गया है, रिव्यू में नहीं आपने भेजा है, तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको देख लेना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यहाँ से लाइक कर लीजिए, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको यूट्यूब से रिलेटेड बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने चैनल को भेज देते हैं यूट्यूब के पास रिव्यू के लिए। लेकिन हम कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ मिस्टेक्स अगर यूट्यूब ने पा लिया आपके चैनल में, मिल गए उसको, तो आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करेगा यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब के रूल और टर्म एंड कंडीशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली उन सब चीज़ों को यूट्यूब बारीकी से देख रहा है। तो उसमें जो मिस्टेक्स है, उसमें सबसे पहली मिस्टेक मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये होता है एक्सटर्नल ट्रॉफिक सोर्स। इस पर बहुत सारे लोग ध्यान तो नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ब्लिंड मिस्टेक बन जाती है हमारे लिए, यानी कि बहुत बड़ी बिग मिस्टेक हमारे लिए बन जाती है। तो उससे कैसे आपको सॉल्व करना है, या फिर ये इसका इफेक्ट आपके चैनल पे क्या होता है, ये चीज समझना आपके लिए बेहद ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके चैनल पे इंटरनल सोर्स कम होगा और एक्सटर्नल सोर्स ज्यादा होगा तो आपका चैनल मोनेटाइज यूट्यूब नहीं करेगा, क्योंकि यूट्यूब की टर्म एंड कंडीशंस है आपके चैनल पे इंटरनल यानी कि यूट्यूब से ज्यादा ट्रॉफिक सोर्स होना चाहिए। और हम लोग करते हैं क्या, हमारा नया चैनल होता है तो हम अपने चैनल को क्या करते हैं, या फिर हमारे वीडियोस को क्या करते हैं, व्यूज़ कंप्लीट करने के लिए या सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, जहां पे हमारे वीडियोस को लोग क्लिक तो ज़रूर करते हैं लेकिन पूरा देखते नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा ट्रॉफिक सोर्स यानी कि एक्सटर्नल ट्रॉफिक सोर्स ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जब चैनल रिव्यू में जाता है तो यूट्यूब के पकड़ में आ जाता है कि इस चैनल के ऊपर एक्सटर्नल यानी कि बाहर से ट्रॉफिक आया जो है वो ट्रॉफिक ज़्यादा है और इंटरनल ट्रॉफिक सोर्सेस कम है, जिसकी वजह से यूट्यूब आपके चैनल को डिसअप्रूव या फिर सेकेंड रिव्यू के लिए भेज देता है। अब इससे बचना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको एक ही काम करना है, वो ये कि आप अपने वीडियो को उन्हीं लोगों के पास शेयर करिए जो लोग आपके वीडियोस को देखते हो, यानी कि जो आपको लगता है जो पर्सन आपके वीडियो को देखता हो उसके पास शेयर करिए। बेमतलब लिंक को शेयर मत करिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ग्रुप में आप लिंक शेयर करेंगे तो लिंक पे क्लिक तो करेंगे, व्यूज़ भी आएंगे, लेकिन आपके पास पूरा वीडियो लोग देखेंगे नहीं, उससे वॉच टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि जब वॉच टाइम नहीं मिलेगा तो आपका वीडियो वो रैंक नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपके वीडियो को कोई 10 सेकंड 20 सेकंड देख के स्किप कर जाएगा तो आपके वीडियो का इम्प्रेशन भी ख़राब होगा, यानी कि जो ऑडियंस रिटेंशन है वो ख़राब होगा, आपका जो वीडियो है वो यूट्यूब के सिस्टम में जाएगा नहीं, यूट्यूब आपके वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा, जिसकी वजह से यानी कि एक्सटर्नल ट्रॉफिक सोर्सेस तो बढ़ेगा और इंटरनल ट्रॉफिक सोर्सेस कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हमारे नए यूट्यूबर करते हैं, इस पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए। अगर आप अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताइए, मैं इसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर यूट्यूब से जुड़े बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।